परमात्मा यूसुफ और उसके परिवार का बचाव था। कितना साल के बाद जब याकूब बुढ़वा होएगा, तब वह अपन प्यारा बेटवा यूसुफ कहीं ओखे भाई के जांच पड़ताल करे के भेजिस, जौन जानवरन के देख रेख करत रहे हैं। यूसुफ के भाई उसे जलन करत रहे हैं, कैसे कि उनखर बाप वही खूब चाहत रहो है, और एक वजह से भी कि यूसुफ सपना देखे रहो है कि वह उनखर शासक बनी। जब यूसुफ अपन भाइन के पास आओ त वही बांध लेन और वही दासन के धंधा करे वाले के हाथ में बेच देन। घर में आए से पहले यूसुफ के भाई यूसुफ के कपड़ा कहीं फाड़ के छेरिया के लहू में भिगा देन। फिर से ऊँ वह कपड़ा का अपन बाप के पास ले आइन कि यही देख के वह सोच लई कि वही कोनो जंगली जानवर मार डालिन हो। तब याकूब खूब चिंता में पड़ गा। दासन के धंधा करे वाले मने वही मिस्र देश ले गए। नीन नदिया के किनारे में बसो मिस्र देश विशाल औ खूब ताकत वाला देश रहो है। दासन के धंधा करे वाले यूसुफ का एक ठे अमीर सरकारी अधिकारी का बेच देन। यूसुफ अपन स्वामी के अच्छे से सेवा करत रहो है औ परमात्मा यूसुफ का आशीष देन। फिर वाखर मालिक के मेहरिया यूसुफ के साथ स्वामा के प्रयास करिस, पर यूसुफ परमात्मा के खिलाफ पाप करा का मना कर दईस। तब वह गुस्सा हो गई और यूसुफ के ऊपर झूठ मूठ के दोष लगा दईस, एके कारण वही बांध के जेल में डार दईन। तबु यूसुफ जेल में रह के परमात्मा के खिलाफ कोनो पाप नहीं करिस, तब परमात्मा वही आशीष दईन। 2 साल के बाद यूसुफ अभू भी जेल में रहो, भले वह कुछ नहीं करे रहो हा। एक रात फिरौन जैसे मिस्री मने अपने राजन के बुलाए करे थे, 2 ठे सपना देखिस जौन वही बड़ा अचंभा में डाल दईस। वाखर कोनो भी सलाहकार वही सपना के अर्थ ना बता पाइन। परमात्मा यूसुफ का सपना बताए के लाने शक्ति देन। एक बजे से फिरौन यूसुफ का जेल से अपन पास बुला लईस। यूसुफ ओके सपना का मतलब बता दईस और कहिस, परमात्मा भरपूरा फसल वाला 7 साल के बाद अकाल के 7 साल भ्याजा वाला है। फिरौन यूसुफ से इतना प्रभावित होएगा कि वही मिस्र के दूसर सबसे बड़ा शक्तिशाली मने बना दईस। यूसुफ मनैन से अच्छा फसल वाला 7 साल के लाने बहुत ज़्यादा खाना पीना जमा करे के लाने कहिस। जब 7 साल के अकाल आओ तो यूसुफ मनैन का वह भोजन बेचा लगो, जेमा उनके पास खाए पिए का अनाज हो जाए। वह अकाल सिर्फ मिस्र बस में नहीं पर कनान देश में भी भयंकर रहो है, जहाँ याकूब और ओखर परिवार रहत रहो है। तब याकूब अपन सबसे बड़ा बेटबन का दाना खरीदे के लाने मिस्र भेजी। जब ऊ दाना खरीदे के लाने यूसुफ के पास खड़ा होइन, तब ऊ भाई यूसुफ का नहीं चिन पाइन, पर यूसुफ उन्हीं चिन लईस। यूसुफ यह पता लगाए के लाने कि का ऊ बदल गए हैं, उन्हीं जांचिस परखिस और जांचे परखे के बाद बता दईस कि मैं तुम्हार भाई यूसुफ आहूँ, मत डेरा। जब तुम मोहिदासन के हाथ में बेचे रहे है तब तुम बुरा करे का ठाने रहे है, पर परमात्मा वो बुराई का भलाई में इस्तेमाल कर लईस। अब आवा और मिस्र में आके रहा, कहसे कि मैं तुम्हारे लाने और तुम्हारे परिवार के लाने भोजन पानी के व्यवस्था कर सकूं। जब यूसुफ के भाई घर लौटिन और अपने बाप याकूब का बताइन कि यूसुफ जियत हब, तब वह बहुत खुश होइगा। हालांकि याकूब एक थे बुढ़वा आदमी रहो है, तबू अपन सबला परिवार के साथ मिस्र चलोगा और ऊन जाके रहा लगे। याकूब के मरे के पहले वह अपन सब बेटवन का आशीष दईस। वाचा के वह प्रतिज्ञा जोन परमात्मा अब्राहम से करे रहे हैं, वह इसहाक मा और ओखे बाद याकूब मा और ओखे बाद ओखे 12 बेटवा और उनके परिवारन मा आ गा। वो 12 बेटवन के वंश इसराइल के 12 गोत्र बन गए। उत्पत्ति अध्याय 37 से 50
से बाइबल की एक कहानी।